हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग के जॉब अपडेट सेक्शन में, जहां पे आपको मिलती हैं बहुत बेहतरीन जॉब अपडेट्स। जैसा कि आपको पता है, निम्बस लर्निंग हर रोज़ कोशिश करता है आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आप तक पहुंचाने का। सो डियर स्टूडेंट्स, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज की जो अपडेट है आप मेरे पीछे यहाँ पे स्क्रीन पे देख रहे होंगे, दैट इज़ फ्रॉम निको। निको इज़ योर नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिकल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो बेसिकली ये जो है निको, ये मिनी रत्ना है इंडिया की, विच इज़ बेसिकली वर्किंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है। एंड किस में काम करता है ये? द कॉरपोरेशन इज इंगेज इन द प्लानिंग, डिजाइनिंग एंड पावर प्रोजेक्ट ऑफ हाइड्रो थर्मल सोलर एंड विंड एनर्जीज में इनमें काम करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या पोस्ट हैं, कौन कौन एलिजिबल है, एज, सैलरी, हर एक चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको करना क्या है, सिर्फ वीडियो में बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो पोस्ट निकली है आपकी निकली है, पहली पोस्ट है टेक्नीशियन अप्रेंटिस की। टेक्नीशियन अप्रेंटिस की 50 पोस्ट निकली है। यहाँ पे क्या क्या वैकेंसीज का ब्रेकअप है देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द वैकेंसीज इन द ट्रेनिंग सेंटर, यहाँ पे बेसिकली ब्रेकअप किया गया है, ठीक है। पहले मैं बात करता हूँ निपो कॉरपोरेट ऑफिस ब्रुकलैंड कंपाउंड लोअर कोने शिलोंग की बात करते हैं। शिलोंग के अंदर सिविल की 6, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 3 वैकेंसीज हैं। त्रिपुरा की बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल की 4, मैकेनिकल की 4। असम की बात करते हैं, डिब्रूगढ़ की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 8 एंड सिविल की 2 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। और यहाँ पे अगर नागालैंड की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में 1 वैकेंसीज निकली है यहाँ पे, ठीक है। अगर यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 4 वैकेंसीज हैं। यहाँ पे दीमा हसाओ असम की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल 2 वैकेंसीज, सिविल की 3 वैकेंसीज एंड इलेक्ट्रिकल की यहाँ पे 2 वैकेंसीज निकली हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, तो आईटी के लिए 2 वैकेंसी, इलेक्ट्रिकल के लिए 1 वैकेंसी निकली है। अरुणाचल प्रदेश सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में आईटी की 4 वैकेंसीज हैं। और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ धनपुर त्रिपुरा वेस्ट की, तो इलेक्ट्रिकल में 2, मैकेनिकल में 2 और आईटी में यहाँ पे 2 वैकेंसीज आपकी निकली हैं। सो ये अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग सेंटर बेसिकली ये वैकेंसीज का ब्रेकअप है। टोटल 50 वैकेंसीज हैं। चलिए आगे हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की, क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन, जो भी मैंने ऊपर डिसिप्लिन बताया आपको उसमें आपका डिप्लोमा होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे इसमें स्टाइपेंड आपको बेसिकली कितना मिलेगा, पैसा कितना मिलेगा। देखिए ये एक बहुत अच्छी बात है, इतना ज़्यादा स्टाइपेंड कहीं पे भी नहीं मिलता है। मतलब मोस्टली जहाँ पे भी आपको एज अ टेक्नीशियन अप्रेंटिस जाते हो 7,000, 8,000 या मैक्सिमम 10,000, बट निपो में एक अच्छा स्टाइपेंड दिया जा रहा है, दैट इज़ 15,000 पर मंथ। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि जो बच्चे यहाँ कुछ भी नहीं कर रहे हैं बेसिकली, वो अप्रेंटिस कर सकते हैं निपो में, और निपो इसी और मिनी रत्ना उसका एक्सपीरियंस जो है अच्छी जगह पे काउंट किया जाएगा। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस की, तो 44 पोस्ट निकली हैं और वही वैकेंसीज का ब्रेकअप आपको यहाँ पे दिया गया है अकॉर्डिंग टू द ट्रेनिंग सेंटर। देखिए देखते हैं, पहले अगर हम यहाँ पे बात करें त्रिपुरा की, तो त्रिपुरा में इलेक्ट्रिकल की 4, मैकेनिकल की 3, सिविल की 4 वैकेंसीज निकली हैं। अगर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डिब्रूगढ़ असम की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 5 वैकेंसीज हैं और सिविल के अंदर यहाँ पे आपको 3 वैकेंसीज मिलेंगी। अगर मैं बात करूँ अरुणाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट का, कामेंग डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में 4 वैकेंसीज निकली हैं। चलिए आगे बात करें डीमा हसाओ असम के अंदर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 6, सिविल की भी 6, आईटी की यहाँ पे 1 वैकेंसी है, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं यहाँ पे पापमपोरे डिस्ट्रिक्ट की अरुणाचल प्रदेश की, इलेक्ट्रिकल में 1 एंड मैकेनिकल में भी यहाँ पे 1 वैकेंसी निकली है। अगर यहाँ पे त्रिपुरा वेस्ट पीओ धनपुर की बात करें तो इलेक्ट्रिकल में 2, मैकेनिकल में 2 और आईटी में भी 2 वैकेंसीज यहाँ पे आपको दी गई हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए हम आगे बात कर लेते हैं कि क्या क्वालिफिकेशन रहेगी। तो ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आपकी बीई बीटेक होनी चाहिए, जो भी अबाउट डिसिप्लिन मैंने आपको बताया है। यहाँ पे भी सैलरी और स्टाइपेंड कितना मिलेगा, बहुत अच्छा स्टाइपेंड है ग्रेजुएट पीपल के लिए, ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 18,000 पर मंथ आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, जो कि एक अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में जाते हैं उसकी सैलरी के इक्विवेलेंट है। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं एज की, तो दोनों ही पोस्ट के लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 30 इयर्स यहाँ पे मैक्सिमम एज आपकी रखी गई है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि सर हमारा सिलेक्शन कैसे होने वाला है अगर हम इसको भरना चाहें। सो बेटा आपका प्योरली सिलेक्शन जो है
प्योरली सिलेक्शन आपका बेस्ड ऑन द डिग्री और डिप्लोमा में, डिग्री और डिप्लोमा में जो आपके मार्क्स हैं डियर स्टूडेंट्स, उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। अगर एज लिमिट की बात करें, इसकी भी 28 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी, सॉरी नॉट 30 ईयर्स, इट इज 28 ईयर्स आपकी एज लिमिट रहेगी। ठीक है, इंपॉर्टेंट डेट की बात करें यहाँ पे तो 20 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट है। लास्ट डेट है इसकी कितनी, 20 अगस्त 2021 इज द लास्ट डेट ऑफ दिस फॉर्म। अगर आप इच्छुक हैं इसके तो आप जाके भरिए इस फॉर्म को, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आपके पास में भी कुछ करने के लिए नहीं है तो आप ग्रेजुएट अप्रेंटिस या टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। स्टाइपेंड भी आपको अच्छा खासा मिल रहा है। सो दोस्तों, ये थी आज की अपडेट। आपको अपडेट कैसे लगी बताइएगा जरूर। अगर कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। सो अगली वीडियो का कीजिए इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.